भारत देश से अच्छा और सुंदर कोई जगह नहीं है। जैसे नील गाय हो गया और जो सांड होता है, गांव में कोई तरक्की नहीं है। वैसे दोस्तों मैंने आपसे एक छोटा सा वादा भी किया था कि मैं आपको एक छोटा सा गीत भी सुनाऊंगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं राज, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राज की दुनिया में। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी, और आप सभी को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पता है आज के दिन मैं कुछ आपको स्पेशल करके दिखाने वाला हूँ, और कुछ मैं आपको सुनाऊंगा भी अपने इस देश के प्रति, एक छोटा सा गीत भी। और प्रेजेंट में मैं जो है अपनी खेत की ओर बस भ्रमण कर रहा हूँ, यानी कि घूम रहा हूँ, टहल रहा हूँ। आप लोग जो देख रहे हो कि कितना खूबसूरत नज़ारा है, ये खेत, ये हरियाली, ये नीला आसमान और ये धरती, वाह 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 भाई, मत पूछो कितना खूबसूरत है। ये देख रहे हो, ये मेरे पीछे ये गेहूं का खेत है, और ये तो आप देख ही रहे हो, पीले पीले सरसों हैं, हरे भरे, कितने अच्छे लग रहे हैं। और उस तरफ भी भाई चारों तरफ सिर्फ हरियाली है हरियाली, वाह 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 वाह, ये नीला आसमान, वाह वाह वाह, अच्छे अच्छे बादल, ओए होए होए, क्या बात है, बहुत मस्त लग रहा है, बहुत ही गजब। और ये सब देख के ना भाई मुझे एक गाना याद आ रहा है, जो कि आप लोगों ने सुना होगा, सभी का फेवरेट होगा वो गाना भी, धरती सुनहरी अंबर नीला हर मौसम रंगीला ऐसा देश है मेरा। तो भाई ये गाना जिसने भी लिखा हो, जिसने भी गाया हो, भाई बहुत अच्छा है, बहुत ही दिल को सुकून मिलता है कि हाँ यार, एकदम मतलब फील होता है कि सच में हमारा भारत देश ऐसा है। और वाकई में अगर हम लोग ये देखें कि हम लोग मतलब सोचते रहते हैं ना कि हाँ हमें वहाँ घूमने जाना है या कहीं मतलब घूमने टहलने के लिए, लेकिन अगर दिल से अगर आप देखो ना अपने इस भारत देश को, तो अपने भारत देश से अच्छा और सुंदर कोई जगह नहीं है अगर आप दिल से देखो। और हाँ, बहुत लोग कहते हैं कि गांव में कोई तरक्की नहीं है, माना कि कोई तरक्की नहीं है, लेकिन यहाँ की सुबह बहुत सुंदर होती है भाई, बहुत ही सुंदर सुबह होती है और बहुत अच्छा लगता है। ये देख रहे हो ना कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए हम आपको और आगे दिखाते हैं थोड़ा बहुत कि हाँ किस तरीके का यहाँ का नज़ारा है, कैसा क्या है, और भी हम आपसे बातें करते हैं। वैसे दोस्तों हम लोग जो है खेत में आते हैं इसकी रखवाली करने के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे जो जानवर होते हैं, जैसे नील गाय हो गया और जो सांड होता है वो हो गया, ऐसे ऐसे मतलब बहुत सारे जानवर हैं जो आते हैं और जो है हमारी जो फसल है उसको जो है खा लेते हैं वो लोग, तो हमको इसकी रखवाली भी करनी पड़ती है। अभी दो चार नील गाय को हमने यहाँ से भगाया भी है, वो आए हुए थे, मैंने उनका शॉट नहीं ले पाया इसलिए, क्योंकि मैं उनको भगाने में बिजी था, ना भगाता तो भी दिक्कत थी कि हमारे फसल को वो लोग खा लेते। ठीक है, बड़ा सुहाना मौसम है भाई, बहुत ही अच्छा है। मैं वैसे जल्दी घर से निकलता नहीं बाहर, लेकिन भाई आज निकला हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वाकई में आज घूम टहल रहा हूँ तो मन बिल्कुल शांत हो गया। अगर मेरे अंदर कोई बीमारी भी होगी तो वो भी दूर हो जाएगी। वैसे दोस्तों मैंने आपसे एक छोटा सा वादा भी किया था कि मैं आपको एक छोटा सा गीत भी सुनाऊंगा, जो अपने इस देश के प्रति है, जो उसकी खूबसूरती को बताता है। वो जो गाना है धरती सुनहरी अंबर नीला, मैं उसे गाने की कोशिश करूंगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि हाँ मैंने किस तरीके से इस छोटे से गीत को प्रेजेंट किया है आप सभी के समक्ष। धरती सुनहरी अंबर नीला, ओ धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरिया उड़ उड़ जाए, लो सुन लो कदम कदम पर है मिल जानी, कदम कदम पर है मिल जानी कोई प्रेम कहानी, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। तो दोस्तों आपको ये जो मेरा छोटा सा गाया हुआ गीत है ये आपको कैसा लगा ये भी आप बताइए। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक ज़बरदस्त मज़ेदार एंटरटेनमेंट करते हुए। और हाँ, अगर आपने हमारी एक पिछली वाली वीडियो बर्थडे की अगर नहीं देखी है, जो मेरी सिस्टर का बर्थडे था, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, उस पर भी कमेंट
करके आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और मैं कुछ नया नया ट्राई करने की कोशिश करता हूँ, वो भी आप हमें बताएं कि अपनी वीडियो में मैं क्या ऐसा इंक्लूड करूँ जो आपको अच्छा लगे, क्या कुछ नया हो। तो बस ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।